नमस्ते, मेरा नाम शिवि है और ये निष्ठा है और मेरे सामने उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जी हैं। अब मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। इरशाद जी। तो सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाई और रियाज में परेशानी नहीं आती थी, कुछ छूटता नहीं था किसी वजह से? पहले तो हमारी शिवि बहुत स्वीट है, वो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछ रही है, वेरी गुड। और निष्ठा जो है वो आपसे भी चंचल है, हैं? अच्छा, अभी आपके सवाल का जवाब ये है, देखिए एक तरीका होता है जब अपन रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो टाइम बिल्कुल जुदा होता है, पढ़ाई का स्कूल का टाइम बिल्कुल अलग होता है, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो हिदायत दी जाती थी, हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे गुरुकुल में आ जाना है आपको, तो 4 से 8 तक संगीत ही चलता था और सारे उस्ताद रियाज ही करते थे। उसके बाद जैसे हम फ्री होते थे और फ्री होने के तुरंत बाद हम लोग और फ्रेश वेश होकर स्कूल चले जाते थे, तो उस वक्त संगीत चलता था, संगीत को सीखते थे। इस वक्त स्कूलिंग होती थी तो पढ़ाई चलती थी, पढ़ाई करते थे, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोच के चलते कि पढ़ाई भारी है, हमें गाना नहीं सीखना, तो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और अगर हम संगीत सीख रहे हैं, संगीत भारी है, तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। जिस वक्त आप जिस काम को करें ये सोचें यही हमारी ज़िंदगी है, जब पढ़ाई हो रही हो तो जहन में सिर्फ यही होना चाहिए कि हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं और हम वो ग्रहण कर रहे हैं। संगीत हो रहा है तो गुरु क्या सिखा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना, ऑब्जर्व करना। लेकिन शिवि तुम इतना अच्छा क्वेश्चन कर रही हो तो इसका मतलब हुआ हम आपसे करेंगे, अब आप गाती भी तो हैं। चलो अब आप क्या करती हैं वो बताइए। निष्ठा बोलो, बात एक ही हो गई, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन है शिवि और निष्ठा। हाँ बढ़िया उस्ताद जी, आप बचपन में क्या क्या बदमाशियाँ करते थे? हम अपने बहन भाइयों से खूब ज़्यादा मजाक करते थे, उनको छेड़ा करते थे, फिर खेल खेलते थे, जैसे मान लो कंचे खेलना है, कैरम खेलना है, तो परेशानियाँ होती थी, फिर हमारी मम्मी चिल्लाती थी, लेकिन फिर हम चिल्लाने की जैसे आवाज़ आती थी वैसे भाग जाते थे। तबला नमाज की तब भी उसकी हथौड़ी चुरा लेते थे तो पिताजी बहुत मौकों को मिला नहीं सकते थे। कोई बाँसुरी वादक बाँसुरी बजाना है तो उनके आगे नींबू खाना, तो वो बजाने में भी उनके कुकाने लगता था, तो वो ये शरारत है। लेकिन पिताजी कहते थे नहीं, संगीत में मजाक नहीं होता। लेकिन जिस वक्त हम संगीत सीखें या पढ़ाई पढ़ें उसके बीच मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे हट के अगर आपके पास कोई भी वक्त है और आप शरारत करते हैं, मजाक करते हैं या कुछ भी किसी से बातें करते हैं तो बुरी बात नहीं। अच्छा, तो आप लोगों में लड़ाई नहीं आती थी? आप लोगों में होती है बहुत, तो हम में भी होती थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि देखिए लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं होती, नोक झोंक कह सकते हैं, भाई बहनों में, बहनों बहनों में, भाइयों भाइयों में। जैसे तुम्हें दोहा सुना दूं, क्या बदला है सुर सागर में डूब के हम खो जाते हैं, हम दोनों लहरों की तरह लड़कर एक हो जाते हैं। समंदर में देखी आपने लहरें या दरिया में या यमुना में या गंगा में, ऐसे ऐसे ही हो जाती हैं, चली जाती हैं, फिर जाके वापस आती हैं, मिल जाती हैं। तो इसलिए हम लोग, हमारा खून मिलता है, दिल मिलता है, दिमाग मिलता है, ख्यालात मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत है। और बेटा देखो, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माता पिता, भाई बहन, गुरु, ये नहीं मिलते। तो जब आपको आपके पापा सिखाते थे, आपको डांटते थे, तो आपको गुस्सा नहीं आता था? उस वक्त हमारे पापा होते थे अलग, उस वक्त हमारे वो गुरु होते थे, तो डांटते थे तो अच्छा लगता था। अगर डांटेंगे नहीं तो हमें वो विद्या आएगी कैसे, अगर सीरियस नहीं होंगे ऐसे, वो घर पे आके प्यार करेंगे, वहाँ नहीं, गुरुकुल में नहीं। वहाँ आपको उस सिस्टम में ढलना पड़ेगा और वो सब चीज़ें आपको माननी होंगी जो मानना चाहिए। गाना निष्ठा सुनाओ। माशाल्लाह होशियार समझदार है, वेरी गुड वेरी गुड। रे पा मा गा रे सा गा गा पा धा नी नी सा।
वेरी गुड शाबाश। नहीं सॉन्ग सुनो। तो ये तो आपने सरगम सुना दी है ना। अलंकार तो आप तो कोई गाना सुनो। मैं गाना हारमोनियम बजाना पड़ता है। तो आप बजाएंगी? हाँ। क्या बात है, लो उधर ही ले लो, आपका हारमोनियम भी उधर ही ले लो। हारमोनियम वहीं ले लो बिटिया, चलो। शाबाश, जीओ, वेरी गुड, शाबाश, वाह।